हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शर्ट वुमेन शर्ट की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। इस ड्राफ्टिंग से आप जो है कोई भी शर्ट बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एक जो गर्ल शर्ट होती है, गर्ल्स की जो शर्ट होती है उसकी ड्राफ्टिंग होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैब्रिक या किसी भी जो है पेपर पे आप कटिंग करें तो इस तरीके से आप लाइंस लगा लेंगे ऊपर और साइड में। फिर एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे, एक इंच एक्स्ट्रा हम फ्रंट, पहले फ्रंट काट रहे हैं तो एक इंच एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बटन पट्टी बनती है। और उसके बाद जो है आप आर्म होल लेंगे, तो यहाँ पे आर्म होल मैं जो तीरा है वो 8 इंच लूँगी और आर्म होल की लंबाई भी मैं 8 इंच लूँगी। तो इस तरीके से आर्म होल की लंबाई मैंने ले ली। फिर जो है लूज़ ही रहेगी शर्ट तो मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ और 10 इंच में 2 इंच में मार्जिन ले कर चल रही हूँ। तो इस तरीके से आर्म होल कर्व से आर्म होल बनाएंगे। उसके बाद 7 इंच डाउन आके, जैसे हम कमीज़ की कटिंग करते हैं वैसे ही 7 इंच डाउन आके मैं जो है 9 इंच पे, जो कि हमारा कस्टमर का साइज़ है, 9 इंच पे जो है वेस्ट का नाप लगाऊंगी, मार्क लगाऊंगी, 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इसमें भी। और उसके बाद 7 इंच डाउन आके हिप राउंड के लिए जितना हमने वेस्ट का लिया है, जो बस्ट का लिया है, यानी कि 10 इंच बस्ट थी तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं। और इसकी लेंथ की बात करूं तो यहाँ पे इसकी लेंथ मैं 26 रख रही हूँ, तो यहाँ पे 1.5 इंच जो है, 1.5 से 2 इंच चला जाएगा हमारा मुड़ाई में, 0.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच हमारा मुड़ाई में जाएगा। तो इस तरीके से सारे मार्क मैं मिला दूँगी। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप कोई भी शर्ट कट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे से 3.5 इंच और साइड से 3.5 इंच पे मिलाएंगे और कर्व दे देंगे इस तरीके से। आपको कर्व जो है साइड वाली फिटिंग से मिला के लगाना इस तरीके से। तो आपकी फ्रंट की जो है मार्किंग हो गई है, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये जो ब्राउन पेपर है, तो जो हम उस पर चढ़ाते हैं वो वाला है ये कॉपी वगैरह पर, थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही थी। 2 इंच आप डाउन करेंगे और 2.5 इंच और 3 इंच इसकी लंबाई रखूँगी मैं आगे के गले की। तो शर्ट में आप जो भी गला बनाएं कोई भी कॉलर का, तो आप इतनी ही रखें फ्रंट गले को 2.5 से 3 इंच। और ये हमने 2 इंच पे डाउन किया था, तो सेम उसी तरीके से जो हमने मार्किंग की है उस पर आप जो है कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो शेप देना चाहें, कर्व शेप देना चाहें, थोड़ा सा और अलग शेप देना चाहें तो वो दे सकते हैं आप। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अब बारी आती है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट में थोड़ा योक पार्ट होता है अलग से जो जुड़ता है, वो ही लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज आप बड़े ही आसानी से उसको समझ लीजिएगा वो कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले आप जो है फ्रंट को बिछाएंगे और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट में पट्टी के लिए, वो आपको बैक में नहीं लेना है। तो वो करेंगे कैसे, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी ये रोल जो है इसको स्ट्रेट करने में, तो आप इसमें भी लाइन लगा लें ताकि जो है आपका, आपको मार्किंग करने में आसानी रहे। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे पट्टी जो होती है उसके लिए। आप सेम जो हमने ये लाइन जो लगाई है उसी के ऊपर जो है अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको बिछा लेंगे। इस तरीके से आपने बिछा लेना है और जो है ऊपर आप जगह छोड़ दें क्योंकि योक पट्टी आपको जो जुड़ती है कंधों पे, आपने देखा होगा मेन शर्ट में भी होती है। तो आपको जो है जो 1 इंच वाला है उसको सेट करके पहले ही थोड़ा सा खिसका लें आप, ताकि आपका जो आपने फ्रंट काटा है वो जो है बैक से कम हो, आगे से, आगे वाली पट्टी, ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा, ये देखिए मैंने ऐसे उस लाइन पे मिला के इसको रख लिया। और सेम जो है इसको कॉपी कर लेंगे जो पैटर्न हमने फ्रंट का कट किया है। तो इस तरीके से मार्कर से मैं कॉपी कर लूँगी, आपको भी इसी तरीके से कॉपी कर लेना है। तो आई होप आप आज आपको शर्ट की कटिंग आ गई होगी। तो मेन शर्ट की कटिंग भी इसी तरीके से होती है, इसमें यहाँ पे साइड कट
जो है थोड़ा सा कम कर्व होता है, और एक जो है वो जो हम पट्टी लगाते हैं उसमें थोड़ा सा मतलब राइट और लेफ्ट का फ़र्क होता है, और कोई फ़र्क नहीं होता है। तो सेम तरीके से शर्ट की कटिंग होती है। तो इस तरीके से आप देखिए आर्म होल 3 इंच तक यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, उसके बाद नहीं करना है। तो इसको मैं हटा लूँगी अब और सीधा कर दूँगी आर्म होल जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हमारी जो योक पट्टी बनती है वो 3 इंच के बाद बनती है। तो यानी कि जितना हमने आर्म होल को कॉपी किया है उतना ही जो है उसके बाद जो है हमारी जो योक पट्टी है वो जुड़ती है। तो हमें जो है 3 इंच पे निशान लगाना है। तो 1 इंच पे तो ये हमारा कर्व स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। इसको मैं स्ट्रेट कर देती हूँ, हमारा 1 इंच पे कर्व स्टार्ट होता है। तो ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए है, इसको आप ना भी अगर नज़रअंदाज भी करेंगे तो भी चलेगा। तो उसके बाद जो है आपको करना क्या है, आपको मार्क करना है कि आर्म होल का को 3 इंच पे निशान लगाएंगे जहाँ से आपका आर्म होल जो है स्टार्ट होता है। ऐसे यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया। ज़्यादा जो है आप ये ना सोचें कि ये निशान किस तरीके से लगा रही हूँ, आपने बस जस्ट कॉपी कर लिया वो भी बहुत है। मैंने पहले ही कॉपी करके इसको जो है 3 इंच तक ही कॉपी किया था, और उसको जो है सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सही आया है मेरा निशान 3 इंच पे ही। तो उधर से मैं एक बार इसको श्योर हो जाते हैं हम एक बार मार्क करके, इसलिए मैंने वहाँ से एक बार निशान लगाया था। ये मेरा बेटा आप देख रहे होंगे, ये ऐसे ही परेशान करता है। अब जो है 3 इंच के बाद हमें 1 इंच ऊपर जाके 8x8 का बॉक्स तैयार करना है। 1 इंच ऊपर जाके 8x8 का बॉक्स तैयार करना है। ये हमारा योक पार्ट है शर्ट के लिए। मैन शर्ट में भी सेम इसी तरीके से आपको काटना है, बिल्कुल भी पजल नहीं होना है। और ये 1 इंच का गैप जो है साथ में ही कटेगा योक पट्टी में। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। देखिए अब कटिंग करने से पहले अब हमारा नेक तो रह गया, हमारा जो नेक है यहाँ से 2.5 इंच और 1 इंच पे जो है लंबाई रहेगी, छोटा ही रहेगा बैक नेक, क्योंकि यहाँ पे जो है शर्ट कॉलर या बैंड कॉलर होती है वो जुड़ती है। तो यहाँ पे डाउन हमें 1.5 इंच आना है, फ्रंट में हम 2 इंच गए थे, बस डिफरेंस इसमें योक पार्ट का है और कोई भी डिफरेंस नहीं है कटिंग में। अब इसको आप आसानी से कटिंग कर लें। और जो है मैंने फ्रंट आर्म होल पे जो कटिंग करते हैं वो नहीं की थी, जिसको हम छटाई बोलते हैं 1/2 इंच पे, ताकि हमें मार्क करने में आसानी रहे। तो वो आप ज़रूर से कर लें फ्रंट पार्ट में जो हमने छटाई नहीं की थी आर्म होल की। तो इस तरीके से जब हम इसका जो फैब्रिक पर इसको बनाएंगे तो इस तरीके से टॉप भी बनते हैं। तो ये पैटर्न बेसिकली जो है मैं टॉप के लिए कट कर रही हूँ, तो इसी पैटर्न से आप टॉप भी तैयार कर सकते हैं जिनमें योक पार्ट होता है, तो इनका लुक जो है बहुत अच्छा आता है। तो ये 8x8 का क्यों लिया, आप देखेंगे जो नीचे जो पोर्शन है उसमें लूजिंग रहती है, और जो ये यहाँ तक हमने लिया है योक पार्ट उसमें लूजिंग की ज़रूरत नहीं रहती हमें। तो इस तरीके से इसको जो है पूरा कट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।